इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया गया है उसको बनाने का केवल एक मकसद है, जिससे बच्चों की सेफ्टी की जा सके और बच्चे दूर से ही पटाखों को चला सके। ओ भाई, तो गाइस अब हम खींचने के लिए तैयार हैं। 1, 2 एंड 3। भाई साहब क्या रहा। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस जैसे कि आपको पता है दिवाली आने ही वाली है और अभी तक मैंने दिवाली से रिलेटेड बहुत सारे डेकोरेशन प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखा दिए, लेकिन अब बारी है पटाखों से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाने का। जैसे कि हम पटाखे वगैरह चलाते हैं, सूतले वगैरह चलाते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। अगर हम उसे सामने से चलाकर भागते हैं तो कुछ पता नहीं होता कि कब फट जाएगा, हो सकता है आपकी आंखों के सामने ही फट जाए। तो आज हम एक सेफ्टी के लिए प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस गैजेट से आप क्या कर सकते हो, किसी भी बड़े सूतले जैसे पटाखे को दूर से ही चला सकते हो। और इस प्रोजेक्ट को बनाने का केवल एक मकसद है कि आप लोग दिवाली में सेफ्टी से पटाखे चला सको। यहाँ पे कोई भी दूसरा मतलब नहीं है इस वीडियो को बनाने का, और ये बच्चों की सेफ्टी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और ये बात मैं YouTube के लिए बोल रहा हूँ, ताकि YouTube इस वीडियो को रिमूव ना करे या फिर इसका मोनेटाइजेशन ऑफ ना करे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को बना लेते हो तो आप कितने बड़े पटाखे जला सकते हो, कितने बड़े मतलब सूतली, ठीक है, पटाखे का मतलब सूतली होता है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो इस तरह की जो प्रोजेक्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अभी दिवाली में और थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो जो भी वीडियो बीच में आएगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसलिए यार फ्री की तो चीज है, दबा लिया करो, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं ना, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दिवाली का टाइम चल रहा है आप तो लाइक बटन दबाओ। चलिए शुरू करते हैं। गाइस इस दिवाली प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं। हम इसको बनाने के लिए वुडन का यूज करेंगे, क्योंकि विस्फोट को सहने के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इसमें कील वगैरह से इसको बढ़िया से लगा देंगे। यहाँ पे सिर्फ पीवीसी का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप सूतली वगैरह लगाओगे वो एक बार में ही टूट जाएगा आपका प्रोजेक्ट, और ये लगाएंगे तो नहीं टूटेगा। ये अंदर बेस के लिए रहेगा और बाहर से पीवीसी की फिनिशिंग रहेगी, जिससे देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे लिथियम आयन सेल्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ चीजें नहीं चाहिए, छोटी मोटी चीजें चाहिए और ये हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस पीस को इसमें लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो छोटे छोटे होल्स कर लेंगे, एंड ये जो नट बोल्ट है इसको अंदर तक ले जाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ तक एक बड़ा सा होल करेंगे, जिससे कि ये हेड वाला पार्ट भी अंदर चला जाएगा और ये यहाँ से इतना बाहर आ जाए कि हम इसमें नाइक्रोम वायर कस सकें। ठीक है, नाइक्रोम वायर का क्या काम है वो तो आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो हमने नट बोल्ट तो बाहर निकाल लिया, हेड आपको इतना बाहर निकालना है कि एक बोल्ट इसके ऊपर और चढ़ जाए, जिससे हम नाइक्रोम वायर बाद में लगा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बड़ा होल किया जिससे हेड भी अंदर चला गया है, और दो वायर आपको पहले निकाल लेनी है बढ़िया से। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ी उतनी जगह छोड़ेंगे जितने हमारा पटाखा अट जाए और यहाँ पे हमारा बैटरी वगैरह का पूरा सिस्टम फिट आ जाए। चलो कील की हेल्प से इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। गाइस यहाँ पे हमने इसको बहुत ज्यादा मजबूती से लगा लिया है, अब यहाँ पे कोई पटाखा फटे ये आपका मेन स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं हिलने वाला है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको लिथियम आयन से लगाने हैं, 2 या 3 जितने लगाओगे एम्पेयर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे नाइक्रोम वायर बहुत ही अच्छे से हीट होगा। वैसे एक सेल भी काफी रहता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, दोनों को पहले पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे इन वायर से कनेक्ट करेंगे, और जो स्विच वाला सिस्टम रहेगा वो कुछ अलग तरीके का रहेगा। आपने शुरुआत में देखा है ना कि दूर से इस तरह से खींचने पे ये काम करेगा, तो हम कुछ उस तरह का रखेंगे। चलो जल्दी से कर लेते हैं। हमने दोनों बैटरीज लगा ली है, अब इन दोनों वायर को जैसे ही कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाइक्रोम वायर लगा रहेगा तो वो रेड हॉट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई दूसरा स्विच तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इसे तो हमें दूर से जलाना है, तो हम यहाँ पे ना एक लीवर सिस्टम लगाएंगे, जिसमें हम धागा वगैरह बांधकर इसको दूर से जैसे खींचेंगे ये यहाँ पे नाइक्रोम वायर को रेड हॉट कर देगा। ठीक है, और जितने में उतने दूर से हम इसको चला पाएंगे फिर। तो चलो जल्दी से वो सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ
यहाँ पे देख सकते हो ये लिवर सिस्टम भी बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कोई धागा बस बांधना है, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, ये वाला जो वायर एक बचा हुआ है इसको यहाँ पर छील कर लगा देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको खींचेंगे ये आके इससे टच होगा एंड यहाँ पे हमारे नाइग्रो वायर रेड हॉट हो जाएगी, ये वापस से अपने पीछे हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे स्प्रिंग या रबर बैंड इस तरह से लगा देंगे, जिस तरह से खींचने पे तो टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है। एंड जैसे रिलीज करेंगे वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और हमारी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी। साथ ही गाइस इसका जो लुक है अभी बहुत ज्यादा ही बेकार है, बिल्कुल छपरी जैसा लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक एक करके पीवीसी की शीट लगाते जाएंगे, ठीक है। एंड काफी ज्यादा बढ़िया से इसका लुक हो जाएगा एंड उसके बाद हम इसके अंदर का जो सिस्टम है वो भी पूरा कर लेंगे। बस यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा तो हम बना रहे हैं, लेकिन साथ ही अब क्या करेंगे ना, एक चार्जिंग मॉड्यूल यहाँ पे फिट कर देंगे, क्योंकि हाँ वैसे तो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तो हमें चार्ज यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो साथ ही एक चार्जिंग मॉड्यूल ऐड कर देते हैं, उसके बाद इसके बाकी का जो हिस्सा है वो भी कवर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का हमने बना लिया है एंड यहाँ पे मैंने खुला रख दिया क्योंकि मैं चार्जिंग मॉड्यूल भी अंदर की साइड में लगाया और यहाँ पे मैंने सोचा इसको खुला रहने देते हैं, जब कोई प्रॉब्लम इसमें अगर आ जाए तो हम यहाँ से रिपेयर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पूरा इसको बढ़िया सा लुक देने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या बाकी रह गया है, कलरिंग का काम। आप जो तो कलर नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे कलर करूंगा जिससे कि एक अच्छा सा लुक आए एंड मैं यहाँ पे कुछ अलग टाइप का कलर करने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की टेप लगा दूंगा और उसके बाद यहाँ पे पूरा पीला कलर कर दूंगा, ठीक है। एंड फिर बाद में जब कलर सूख जाएगा उस टेप को उतार के और उस जगह पे ब्लैक पेंट कर देंगे, जिससे कि एक टाइप का वार्निंग सिंबल टाइप का दिखता है ना, बहुत ज्यादा मतलब मस्त लगेगा, इस प्रोजेक्ट पे वो सूट करेगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से वो काम कर लेते हैं। फाइनली हमारा प्रोजेक्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसमें कलर वगैरह कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने ब्लैक की जगह रेड टेप लगा दी क्योंकि मैं पेंट नहीं करना चाह रहा था, ये पीला पेंट अभी तक भी नहीं सूखा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट टेस्टिंग करके दिखाऊंगा क्योंकि आज संडे है भाई, आज ही वीडियो को जाना चाहिए। एंड अब क्या करते हैं, लास्ट स्टेप यहाँ पे ये है कि अब हम यहाँ पे नाइक्रोम वायर लगाएंगे। ये थोड़ी मोटी वाली नाइक्रोम वायर है, इससे एक पतली वाली भी आती है वो आप लगा सकते हो और हीटर की जो रॉड होती है ना उससे आराम से निकल जाती है। ज्यादा नहीं, हमें यहाँ पे छोटा सा नाइक्रो वायर लगाना है, ठीक है, छोटा सा एक लूप बना के, और मैं यहाँ पे जल्दी से लगा देता हूँ, उसके बाद बाहर जाके जल्दी से इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो नाइक्रोम वायर हमने लगा दी, अब देखो टच करते ही क्या होगा। ओ भाई, यहाँ तो आग लग गई क्योंकि अभी जो पेंट है वो थोड़ा सा गीला है, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे हम पटाखा रख सकते हैं, अपना जो सा भी पटाखा रखना है। बाहर चलते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में करेंगे क्या, कोई भी धागा लेंगे, यहाँ पर बांधेंगे धागा या रस्सी, ठीक है,
एंड जैसे हम इसको जितनी भी दूर रखना चाहे रख सकते हैं और खींचते ही पटाखे को दूर से ही चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाहर चलते हैं। हम आ चुके हैं आउटडोर और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपनी मशीन को सेटअप कर दिया है। ठीक है, पीछे एक ईंट लगा दी जिससे कि इस तरह से करेंगे तो ये पीछे ना चली जाए मशीन खुद ही। और अब क्या करेंगे, इसमें धागा लगाएंगे और हम जितना दूर जाना चाहें जा सकते हैं। एक सूतली है हमारे पास, इसको यहाँ पे लगा देंगे। बस यहाँ पे धागा बांध दिया है और इसको मैं जल्दी से दूर ले जाता हूँ। जितना भी हमें दूर ले जाना है मैं उतना दूर यहाँ पे ले जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 20 फीट की दूरी पे हम आ चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ से हम खींच सकते हैं, जल्दी से वहाँ सूतली लगा कर आते हैं। यहाँ पे हमने एक और कैमरा सेटअप कर दिया, आपको सामने से दिखाएंगे और हम दूर पे रहेंगे। यहाँ पे एक सूतली है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये जो हमने लूप सा बनाया था इसमें बस लगा देंगे। यहाँ पे हमने पटाखा लगा दिया है, वीडियो वहाँ का भी ऑन है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस अब हम खींचने के लिए तैयार हैं, 1, 2 एंड 3। अरे भाई साहब क्या रहा है, अरे भाई साहब ये क्या हो गया ये स्ट्रक्चर कहाँ आ गया यार निकल के। वैसे मुझे पहले भी शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमने सोचा था कि हमारा ये जो मेन स्ट्रक्चर है इसको कुछ नहीं हुआ, ये देखो ये ऑटोमेटिकली पीछे आ गया है। मैं अभी करता हूँ, हाँ देखो अभी भी हीट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे 3-4 बार और पटाखे चला सकते हैं। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है कि पटाखा भी मेरे पास सिर्फ एक ही था। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे हम जितने में उतने पटाखे चला सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी मैंने पीवीसी ऊपर से लगाया था लुक अच्छा आने के लिए, आपको ज़रूरत नहीं कि पीवीसी आप लगाओ भी, आप जुगाड़ से काम चला सकते हो। यहाँ पे हमारा पूरा सर्किट सेफ रहेगा क्योंकि ये जो लकड़ी का गुटका है ये रोका रखेगा जो भी यहाँ पे आग वगैरह आएगी। ठीक है, तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मज़ा आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर सारे दिवाली की वीडियो और प्रोजेक्ट मिस हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो मिलती है।